A very good morning class and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture of economics class 12th, that is lecture number 44, we started the chapter number 7 of your book Indian Economic Development, and the chapter was Rural Development. Indian Economic Development book से हमने chapter number 7 start किया था, जो term 1 का last chapter है इस book का, right? And in that we studied what is rural development, along with that what are the lingering challenges में types of rural credit. इतना topic हमने उस lecture में clear कर लिया था. Now my dear students, in this lecture, that is lecture number 45, we are going to discuss ahead the more topics of lingering challenges of rural development. Rural development के lingering challenges और क्या क्या हैं. Next is sources of rural credit. अगला टॉपिक क्या है कि रूरल क्रेडिट के सोर्सेज क्या क्या हैं. बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. जो रूरल क्रेडिट के सोर्स हैं उनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. एंड व्हाट आर दोज टू कैटेगरीज? इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल. दो सोर्सेज में रखा गया है, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स. नाउ वेरी फर्स्ट इज योर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स. नाम से क्लियर हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स वो होती हैं जिसमें हमको क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से मिलता है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में क्रेडिट हमको इंस्टीट्यूशन से ना मिलकर किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल पर्सन से मिलता है. नाउ व्हाट आर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज? लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट हैं. अगर रूरल एरिया में कोई किसान, कोई बंदा, किसी लैंडलॉर्ड मतलब ज़मींदार, विलेज ट्रेडर मतलब गांव का व्यापारी, या मनी लेंडर मतलब महाजन्स जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, अगर उनसे पैसा ले रहा है, देन इट इज़ द नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट, राइट? ट्रेडिशनली दीज क्रेडिट नीड्स टू मीट फार्मर्स थ्रू दी सोर्सेज. इनसे हम फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी सोर्सेस और जनरेट हुए. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लगभग 93% की टोटल बोरिंग्स की जाती हैं. अगर 100 पीपल आ देयर, सो फ्रॉम दोज 100 पीपल 93 पीपल आर हैविंग टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. दिस इज़ द डेटा ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान. फर्स्ट 5 ईयर प्लान में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से हम 93% की बोरोइंग्स कर रहे थे, एंड ओनली 7% बोरोइंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. What was the reason? The reason was that the people were not having full trust on the governmental organizations in the villages. But by 1981 tak, institutional sources emerged as a principal channel of rural credit. Lekin 1981 ke baad se institutional sources jo the wo ek important channel ki tarah bankar aaye for rural credit. Now what are institutional sources? The institutional sources include government, cooperative, commercial banks and the regional rural banks. अगर मैं first 5 year plan से पहले की बात करूँ या first 5 year plan की बात करूँ, only 7% people were taking credit from institutional sources. But now more than 66% people are taking credit from rural sources, and out of the total institutional credit, cooperative credit contributes 15% and commercial bank about 75%. जो 66% का total rural credit है उसका 15% जो है वो cooperative credit contribute करता है और 75% commercial banks करते हैं. What are the important institutional agencies offering rural credit? Important institutional agencies क्या हैं जो rural credit को offer कर रही हैं? नंबर वन, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़. बेसिकली दीज प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर्स एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराते हैं. इनका बेसिकली पर्पस क्या होता है? टू इंश्योर टाइमली एंड रैपिड फ्लो. टाइमली और रैपिड फ्लो हो क्रेडिट का फार्मर्स को. एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर, किसी तरह की कोई क्रेडिट एजेंसी नहीं होनी चाहिए ताकि उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़े. स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटी ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, हर रीजन में क्रेडिट फैसिलिटीज़ को स्प्रेड किया जाए. एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट इन एरियाज ओवर बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट. दिस इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स. अगला क्या था? SBI वॉज सेटअप इन 1955. SBI को 1955 में सेटअप किया गया था.
विद द मोटिव ऑफ रूरल क्रेडिट फोकस. मेन फोकस क्या था? रूरल क्रेडिट. नेक्स्ट, रूरल क्रेडिट वॉज द मेन फोकस. गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि रूरल क्रेडिट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ इसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं, इसलिए SBI को कमर्शियल बैंक को लॉन्च किया गया. रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, बेसिकली RRB दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक्स या लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को सेटअप इसलिए किया गया था टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज पर्टिकुलरली इन द रिमोट एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स. रिमोट और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में क्रेडिट सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, राइट. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD. बेसिकली NABARD क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. दिस बैंक वॉज स्टेप स्पेशली सेटअप टू फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट्स फॉर रूरल एरियाज. रूरल एरियाज, फार्मर्स, इन सबको क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए NABARD को लॉन्च किया गया था. NABARD एक एपिक्स बैंक है जो सारी पॉलिसीज, प्लानिंग, ऑपरेशन सबको हैंडल करती है. इट वॉज सेटअप इन 1982 में NABARD सेटअप हुई थी. उसके फंक्शंस क्या थे? एपिक्स फंडिंग देना, जो भी क्रेडिट रिक्वायरमेंट है रूरल एरियाज़ में उनको प्रॉपर फंडिंग देना, अप्रोप्रिएट मेजर लेना कि क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम जो है वो प्रॉपरली रन किया जाए. उसके अलावा टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड मेंटेनिंग लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक एंड अदर नेशनल इंस्टीट्यूशंस. दिस ऑल वॉज द वर्क ऑफ NABARD. और इसके अलावा NABARD का एक वर्क और था, टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रिफाइनेंस्ड बाय इट. सारे प्रोजेक्ट्स को मॉनिटरिंग करना, उसको इवेल्युएट करना कि जितने भी रिफाइनेंस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो सब प्रॉपरली रन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. सो NABARD का रूरल क्रेडिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. NABARD वॉज प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन रूरल क्रेडिट डिवेलपमेंट. सो इन दिस लेक्चर वी स्टडीड ऑल दी सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.